श्री युगंधर पांडे जी। धन्यवाद पांडे जी। श्री लक्ष्मी नारायण कोऑपरेटिव अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट सन 2022-23 की इस प्रकार है। इमरजेंसी लोन है 4,74,200। हेलो, इमरजेंसी लोन है 4,74,222 रुपए। रेगुलर लोन है 3,42,16,988 रुपए। कैश इन हैंड है 4,33,005 रुपए। कैश इन बैंक SBI 88,978 रुपए। कैश इन बैंक RBL 75,265 रुपए। कैश इन बैंक रत्नाकर 1,10,367 रुपए 54 पैसे। शेयर मनी है 45,60,900 रुपए। रिजर्व फंड है 2,48,902 रुपए। कंपलसरी डिपॉजिट है 1,52,91,308 रुपए। ऑप्शनल डिपॉजिट है 38,15,008 रुपए। FD है 2,43,46,084 रुपए। RD है 11,81,300 रुपए। बिल्डिंग फंड है 7,50,490 रुपए। कल्याण फंड है 2,52,100 रुपए। पेंशन फंड है 3,000 रुपए। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है 10,000 रुपए। कॉमन गुड्स फंड है 1,270 रुपए। इनकम टैक्स फंड है 2,74,884 रुपए। एजुकेशन फंड है 323 रुपए। धन्यवाद पांडे जी। ये वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा था जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। धन्यवाद विष्णु कुमार बंसल जी, आपने बहुत ही सुचारू रूप से और सरल तरीके से आपने वित्तीय वर्ष 2022-23 का लेखा जोखा हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मत में जन अवध कल्याण कोऑपरेटिव के सोसाइटी के संस्थापक आदरणीय तरुण कुमार ओझा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सोसाइटी के हित में हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय तरुण कुमार ओझा जी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और समस्त गार्डियन सदस्य जो यहाँ पे आए हुए सम्मानित सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूँ कि सोसाइटी को आगे चलाने के लिए कम से कम आप लोग 2 मत पर जरूर सोसाइटी में जोड़ें और RD FD या और अन्य सुविधाओं का भी लाभ उठाएं और सोसाइटी को आगे बढ़ाने में आप लोग अपना सहयोग दें जिससे सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए और हम आपका भी सहयोग उसी तरह कर पाएंगे जैसे आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। अगर हमारे पास फंड है तो हम आप लोगों का भी सहयोग बराबर करते रहेंगे और मैं आपसे यही चाहूँगा कि आप लोग बराबर हमारा सहयोग करेंगे और सदस्यों को जोड़ें, यही आप लोगों से प्रार्थना है, यही चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई आदरणीय तरुण कुमार ओझा जी। इसी कड़ी में पूर्वांचलीय रामिंदा संस्था के अध्यक्ष, सचिव और सोसाइटी के पूर्व सम्मानित सदस्य ऐसे रिटायर्ड KL सुबेदार जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ही सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय KL दुबे जी। मंच पर आसीन पदाधिकारीगण एवं इस सोसाइटी के सम्मानित सदस्यगण, मैं इस सोसाइटी का संस्थापक कहिए कागाली में था, पहले कागाली में था और हम चंद लोगों ने मिलकर इस सोसाइटी को खड़ा किया था। हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस पेड़ को हमने लगाया था वो अभी निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है और आप सभी सम्मानित सदस्य से आग्रह करूंगा कि हर सदस्य कम से कम 5 सदस्य को जोड़े
मैं चाहता हूं कि इस सोसाइटी को या जो सोसाइटी रूपी अपना पेड़ है इस आलतन रूप धारण करे, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, इस पर कोई शक नहीं है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का सहयोग रहेगा तो एक दिन ये सोसाइटी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। बाकी मैं आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोग का धन्यवाद करता हूँ और पांडे जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया। धन्यवाद। हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय किरण दुबे जी, सोसाइटी आपका आभारी रहेगी, आपके सुझाव को सदैव आगे लेके चलते रहेंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में जय धन विकास कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक हम सबके बड़े भाई आदरणीय जगन्नाथ तिवारी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी सोसाइटी को किस तरह से आगे ले जाए हम सबका मार्गदर्शन करें। मंच पर सम्मानित सभी पदाधिकारी या सभा में आए हुए सभी सम्मानित व्यक्तियों का अभिवादन करता हूँ और मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो भी सदस्य अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए एक एक सदस्य अगर जोड़ेंगे तो एक अगर एक जगह लिखा जाए तो एक होता है, एक के साथ में एक लिखा जाए तो 11 होते हैं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप लोग कम से कम प्रयास करके ना ज़्यादा कर सको तो एक एक अगर जोड़ोगे तो 11-11 हो जाएंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद बड़े भाई तिवारी जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जय माँ पाटेश्वरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक और हमेशा साथ देने वाले ऐसे शिवाकांत तिवारी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी हम सबको मार्गदर्शन करें। शिवाकांत तिवारी जी, सब अपने ही लोग बैठे हैं, आप कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग जो आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सोसाइटी बढ़ाने का सहयोग करने के। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे मध्य में श्री रविंद्र कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आगे आ जाएं और सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाएं हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय रविंद्र कुमार पांडे जी। इधर हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी विनोद नगर मंडल के पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री श्री विनय झा जी उपस्थित हैं, उनका भी सोसाइटी हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। कृपया आप सीट ग्रहण करें। आज इस सोसाइटी का वार्षिक मीटिंग है, मंच पे उपस्थित सभी पदाधिकारीगण व सदस्यगण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और बड़ों से आशीर्वाद का प्रार्थी हूँ। सभी का सहयोग, सभी का साथ, ये सब मिलके एक ऐसा वृक्ष बनता है जिसकी शाखाएं चारों तरफ फैलती हैं। सोसाइटी एक आदमी से नहीं बनती, सोसाइटी बहुत लोगों का समूह जब इकट्ठा होता तो एक सोसाइटी बनती है। उसको चलाने के लिए चलाने वाला और चलाने के लिए सदस्यगण सभी का सहयोग बराबर का होना चाहिए। हम अपने छोटे भाई जोगेंद्र कुमार पांडे का तहे दिल से स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन भी करते हैं कि जिन्होंने आज 15 साल से इस सोसाइटी को सुचारू रूप से चलाया है, आप सभी को सहयोग से। सोसाइटी में सभी का सहयोग बराबर का होता है, इसलिए मैं आप सबसे
पदाधिकारीगण से भी सदस्यगण से भी यही अनुरोध करूंगा कि इसको चलाने के लिए अपने राय कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। हर आदमी अपनी समझ से सोसाइटी को सलाह दे सकता है और वो सलाह कहाँ काम आ जाए ये कोई पता नहीं। जो हमारे समझ में ना आए वो आपके समझ में आ सकता है। इसलिए हमारा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब सहयोग सलाह दोनों साथ लेके सोसाइटी को चलाएंगे, ये बहुत आगे तक जाएगी। इसमें सबका भला है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद कहता हूँ, सोसाइटी के पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय बड़े भाई रविंद्र कुमार पांडे जी, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हमारे मत में श्री सुनील कुमार सुनील जायसवाल जी उपस्थित है, जो कि हमारे साथ सहयोगी भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार जिले के पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री हैं। ऐसे सुनील जी जायसवाल जी का आप सभी ताकि थाली बजा के स्वागत करेंगे और मैं उनसे बहुत करना चाहता हूँ कि आप मंच पर आ जाए और प्रार्थना करेंगे। इसी के उपरांत मैं अपने मोर्चे के मंत्री जो हमारे सहयोगी हैं श्रीमती रीना पांडे जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपने महामंत्री जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे आप। जैसा कि आज बहुत सारा कार्यक्रम है और बहुत ही व्यस्त समय में से समय निकाल के हमारे मध्य में श्री सुनील जायसवाल जी उपस्थित हुए हैं, मैं और सोसाइटी उनका सदैव आभारी और ऋणी रहेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे मध्य में श्रीमती रीना पांडे जी उपस्थित हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सोसाइटी को किस तरह से आगे बढ़ाएं ऐसा मार्गदर्शन करें श्रीमती रीना पांडे जी। भारत माता की। माफी चाहूंगा एक मिनट, जो भी सदस्यगण बाहर उपस्थित हैं कृपया अंदर आ जाएं और सीट ग्रहण करें, कंटिन्यू करें। यहाँ पे उपस्थित सभी मान्यवर गण और हमारी महिला शक्ति, मैं सभी को बार बार नमन करती हूँ। श्री लक्ष्मी नारायण कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हमारे पूर्वांचल मोर्चा के महामंत्री श्री योगेंद्र पांडे जी 15 सालों से विनोद नगर में जो ये सोसाइटी चला रहे हैं बहुत ही सामाजिक और तौर पे बहुत ही अच्छा कार्य है इनका। और मैं तो बस इतना चाहूंगी कि मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, तो महिलाओं का भी मैं चाहूंगी 50% जो है अपने इस सोसाइटी में चांस दें और बहुत सारी संख्या में हमारी बहनें जो हैं इसमें अपना जो है योगदान दें। और यहाँ पे सभी संस्था के उपस्थित सभी सदस्यों को मैं नमन करती हूँ इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद। जैसा कि अभी श्रीमती रीना पांडे जी ने सिर्फ महिलाओं के ऊपर फोकस किया है, मैं उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि पुरुष वर्ग भी बहुत ज़्यादा है और पुरुष वर्ग भी सहयोग करेगा तो सोसाइटी बहुत आगे बढ़ेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे मत में श्री अशोक कुमार जी उपस्थित हैं, जिनको नाथू सिंह के नाम से भी लोग जानते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो भी आगे आ जाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय नाथू सिंह जी उर्फ अशोक कुमार सिंह जी। मंच पे विराजमान सभी पदाधिकारी, ये हमारे योगेंद्र पांडे जी द्वारा जो सोसाइटी की नींव रखी गई है, हम आम लोगों से यही निवेदन करेंगे कि अपना धन इसमें व्यय करें। व्यय करने का कई तरीका है, कोई मेंबर बनता है, कोई आरडी कराता है, कोई एफडी करता है, उससे न कि सोसाइटी को बल्कि आप लोगों को भी प्रॉफिट होगी और उस प्रॉफिट का आप लोग
और कम से कम एक एक मेंबर जरूर सोसाइटी को प्रदान करें, जिससे सोसाइटी आगे जा सके, सोसाइटी का मनोबल बढ़ सके और आप लोगों को भी उसका फायदा मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद बड़े भाई नाथू सिंह जी, बहुत ही अच्छा सराहनीय विचार रहा आपका। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे आज के अतिथि के रूप में हम हमारे बड़े भाई आदरणीय सुनील कुमार जसवाल जी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी अपने विचार रखें और सोसाइटी को किस तरह से आगे बढ़ाएं, मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुनील कुमार जसवाल जी। सम्मानित मंच एवं उपस्थित समक्ष भाइयों बहनों और सोसाइटी के सदस्यों, योगेंद्र पांडे जी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, बल्कि मैं सोसाइटी को ठीक से जानता भी नहीं था, तो इनसे सोसाइटी शब्द मैं समझा, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है और बैंक से आसान है और बैंक से ज़्यादा लाभ देता है, तो मैंने भी अपना खाता खोल लिया। तो आज मैं एक सदस्य के रूप में मैं भी हूँ आप लोगों के सामने और बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, आपके पैसे को आप ही के बीच में बांटते हैं, 125 जिसको देते हैं उसे लेते हैं और 1 रुपया जिसका लिया उसको लौटा देते हैं, और जो 25 पैसा होता है वो उसमें ये सारे खर्च हैं, बैंक का खर्च है, किराया है, तो उस 25 पैसे में सोसाइटी का खर्च चल जाता है और आप ही के 125 जो लिया 1 रुपया आप ही के किसी भाई को दे भी दिया, ये भी कि आपका भी अकाउंट है तो वो आपको भी लौट रहा है, तो इतना रिटर्न तो किसी बैंक में भी नहीं है और आसान प्रक्रिया है। बैंक में अगर हम 10-20 हज़ार लोन लेने जाएं तो इतने चक्कर कटवा देंगे और इतने कागज रखवाएंगे कि हम डर जाएंगे कि मकान का कागज रखो क्या क्या पता नहीं क्या रखो। यहाँ आए, एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है पूरी करें, कई बार ये तो कुछ छूट भी दे देते हैं, जैसे अभी मान लिया कि मैं बीमार हो गया, मैं अपने घर पे हूँ, कोई फोन कर दिया तो मेरा कोई भी आदमी इतना 10-20 हज़ार का हेल्प कर ही देते हैं और जब मैं हॉस्पिटल से आऊँगा तब ये रिक्वायरमेंट पूरा करा लेंगे, तो इतना आसान तो कहीं है ही नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहूँगा कि आप लोग भी और लोगों को जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, कोई सब्जी बेचता है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई पटरी लगाता है, जिनको बैंकिंग की समझ नहीं है, तो यहाँ से बैंकिंग समझेंगे, बैंकिंग से ज़्यादा पाएंगे, और जिनके पास ज़्यादा भी है तो बैंक में हमें आज के डेट में 5-6% मिलता है वार्षिक ब्याज, जो कि यहाँ 12% मिलता है उसके दुगुना, तो इन्वेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और किसी भाई को कभी कोई मुसीबत आ जाए तो इतना आसान प्रोसेस कहीं नहीं है। तो ज़्यादा ना कहते हुए, मेरे से ज़्यादा अनुभवी लोग हैं, मैं तो 1-2 साल पहले जोड़ा तो इतना समझ गया, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझते होंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि कुछ कहूँ तो इनके आग्रह को भी मैं मना नहीं कर सकता, तो जितना मुझे समझ में आया बोला। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सुनील जसवाल जी, आप सभी का मार्गदर्शन बहुत ही सराहनीय रहा, ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। सर्वप्रथम मैं आगामी 2023 के त्यौहार, जैसा कि अभी इसके बाद आने वाला आप नवरात्रे और दशहरा, दीपावली, धनतेरस, भैया द्वेज, छठ पूजा, इन सभी त्योहारों का आप सभी को दिल की गहराई से हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूं। और मैं पुनः एक बार आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सोसाइटी जैसा आप सभी को हमारे जो भी मंच पे उपस्थित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं, उन्होंने सबने मेरा नाम लिया, मेरा सोसाइटी ना हो के आप सभी का सोसाइटी है, कृपया ये लोग ये आप अपने मन में ना रखें कि सोसाइटी योगेंद्र पांडे की है, आप सभी का है, आपके सहयोग के बगैर हम भी अधूरे हैं, सोसाइटी भी अधूरी है, आपका सहयोग रहेगा सोसाइटी भी बढ़ेगी, आप लोगों का काम भी चलता रहेगा। जैसा कि इस बैठक को 12 बजे समाप्त करना था
और उसी के अनुसार बैठक समाप्त होने से पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय गान के लिए आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और मैं अनुरोध करना चाहता हूं श्रीमती रीना पांडे जी को आप आगे आ जाएं और राष्ट्रगान आरंभ करें। वहीं पर खड़े हो गए कर। जो जहां पे वहीं पे खड़े हो जाए और राष्ट्रगान आरंभ करें। सामूहिक राष्ट्रगान होगा। शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे गावे तब जय गाथा जनगण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 और महिला शक्ति। वैसे भी 33% का कोटा आप लोगों को मिल गया है, इसके लिए आप लोगों को शुभकामनाएं बधाई। आप लोग 33% के मालिक हो गए हैं, जो कि हमारी रीना पांडे जी आप लोगों को सुनाना चाह रही थी और मैं उसको पूरा कर दिया। इसके पश्चात सभा को स्थगित किया जाता है और आप लोग के लिए भोजन तैयार।